दुनिया में सभी कोरोना महामारी के डर से डरे हुए हैं। इसी बीच एक और नई रहस्यमयी बीमारी ने सभी की चिंता बढ़ा दी है। बढ़ते मामलों के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी जारी की, जिसमें इस रहस्यमयी बीमारी से सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। खबरों की माने तो अब तक 12 देशों में इसके 169 केस सामने आए हैं। वहीं इन आंकड़ों के आधार पर इस बीमारी को हेपेटाइटिस कहा जा रहा है। इस बीमारी से पीड़ित बच्चों के लीवर में सूजन के गंभीर मामले देखने को मिल रहे हैं। WHO के मुताबिक 21 अप्रैल तक ब्रिटेन, अमेरिका, स्पेन, इसराइल सहित 8 देशों में इस रहस्यमयी बीमारी हेपेटाइटिस के मामले दर्ज किए गए। सबसे ज्यादा मामले ब्रिटेन में सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक यह बीमारी 16 साल की उम्र तक के बच्चों में देखने को मिली। वहीं जिन बच्चों की जांच की गई उनमें से 20 बच्चों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। साथ ही 19 बच्चे ऐसे भी थे जिनमें कोरोना और एडेनोवायरस संक्रमण दोनों पाए गए। इस रिपोर्ट ने डॉक्टरों की चिंता और बढ़ा दी है, जिसके बाद अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों ने देश के डॉक्टरों को इससे जुड़े केस आने पर अलर्ट रहने की चेतावनी दी है। मैं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हमें इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का। दुनिया में सभी कोरोना महामारी के डर से डरे हुए हैं। इसी बीच एक और नई रहस्यमयी बीमारी ने सभी की चिंता बढ़ा दी है। बढ़ते मामलों के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी जारी की, जिसमें इस रहस्यमयी बीमारी से सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। खबरों की माने तो अब तक 12 देशों में इसके 169 केस सामने आए हैं। वहीं इन आंकड़ों के आधार पर इस बीमारी को हेपेटाइटिस कहा जा रहा है। इस बीमारी से पीड़ित बच्चों के लीवर में सूजन के गंभीर मामले देखने को मिल रहे हैं। WHO के मुताबिक 21 अप्रैल तक ब्रिटेन, अमेरिका, स्पेन, इसराइल सहित 8 देशों में इस रहस्यमयी बीमारी हेपेटाइटिस के मामले दर्ज किए गए। सबसे ज्यादा मामले ब्रिटेन में सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक यह बीमारी 16 साल की उम्र तक के बच्चों में देखने को मिली। वहीं जिन बच्चों की जांच की गई उनमें से 20 बच्चों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। साथ ही 19 बच्चे ऐसे भी थे जिनमें कोरोना और एडेनोवायरस संक्रमण दोनों पाए गए। इस रिपोर्ट ने डॉक्टरों की चिंता और बढ़ा दी है, जिसके बाद अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों ने देश के डॉक्टरों को इससे जुड़े केस आने पर अलर्ट रहने की चेतावनी दी है। मैं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हमें इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का। दुनिया में सभी कोरोना महामारी के डर से डरे हुए हैं। इसी बीच एक और नई रहस्यमयी बीमारी ने सभी की चिंता बढ़ा दी है। बढ़ते मामलों के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी जारी की, जिसमें इस रहस्यमयी बीमारी से सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। खबरों की माने तो अब तक 12 देशों में इसके 169 केस सामने आए हैं। वहीं इन आंकड़ों के आधार पर इस बीमारी को हेपेटाइटिस कहा जा रहा है। इस बीमारी से पीड़ित बच्चों के लीवर में सूजन के गंभीर मामले देखने को मिल रहे हैं। WHO के मुताबिक 21 अप्रैल तक ब्रिटेन, अमेरिका, स्पेन, इसराइल सहित 8 देशों में इस रहस्यमयी बीमारी हेपेटाइटिस के मामले दर्ज किए गए। सबसे ज्यादा मामले ब्रिटेन में सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक यह बीमारी 16 साल की उम्र तक के बच्चों में देखने को मिली। वहीं जिन बच्चों की जांच की गई उनमें से 20 बच्चों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। साथ ही 19 बच्चे ऐसे भी थे जिनमें कोरोना और एडेनोवायरस संक्रमण दोनों पाए गए। इस रिपोर्ट ने डॉक्टरों की चिंता और बढ़ा दी है, जिसके बाद अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों ने देश के डॉक्टरों को इससे जुड़े केस आने पर अलर्ट रहने की चेतावनी दी है। मैं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हमें इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का।